मेरे दोस्तों, मेरी अध्यापिका और मेरे प्रिंसिपल सर। मैं आज मेरी कक्षा की अध्यापिका ने मुझे सबसे अच्छा और सबसे बड़ा एक कोरोना वायरस के ऊपर एक संक्षिप्त लिखने के लिए दिया था और मैं उस पर बहुत खुश हूँ। और आप सबको पता है कि कोरोना वायरस चाइना से आया और वुहान से, इसकी स्टार्टिंग चाइना से हुई थी, बट चाइना के लोगों ने भारत को ये नहीं बताया कि चाइना से ये बीमारी आई है। पीपल ने बहुत सारे हमारे WHO कंट्री में उन्होंने बताया कि वहाँ पे बहुत सारे लोग मर चुके हैं, लाइक 14,600 पीपल डाइड। और इंडिया में हमारी सरकार बहुत अच्छी है, इसलिए उसके ऊपर उन्हें संक्षेप लेख बनाए और नेसेसरी स्टेप लिए। उन्होंने ये 21 तारीख तक उन्होंने हमारे देश में लॉकडाउन तक कर दिया, हमारे देश, हमारे स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए। हमारे देश ने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं हमें कोरोना वायरस से बचाने के लिए, और मैं चाहती हूँ कि सब मेरा सहायक बने और मेरे कहने का अर्थ समझे। नरेंद्र मोदी जी ने हमारा बहुत सहायता की है, हम ऐसी सरकार हर साल चाहेंगे जो हमारे लिए इतना बड़ा संक्षेप ले। उन्होंने लॉकडाउन में हमें ये समझा दिया कि स्वास्थ्य हमारी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। लोग कोरोना वायरस बहुत से देशों में हुआ, लेकिन उनकी रणनीतियाँ बहुत अलग थी। कुछ लोगों ने आदमी जो विद्यार्थी जो लोग मर चुके हैं उनको जमीन में गाड़ दिया और उनके स्वास्थ्य का कोई चिंता ना करते हुए उन्होंने उन्हें ऐसे ही रख दिया। लेकिन भारत में इसका, भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने अनेक लोगों को संक्षेप बताया कि ना कि उन्होंने लोगों को भगाया बल्कि उन्हें कोरोना वायरस के ऊपर प्रोत्साहित किया और बोला स्टे होम स्टे लाइफ। सो प्लीज 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 डॉक्टर डू वेरी हार्ड वर्क फॉर अस, दे आर प्रोटेक्टिव फ्रॉम कोरोना वायरस। सो प्लीज गाइज डोंट अब्यूज देम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, प्लीज। सो प्लीज गाइज टू से स्टे होम स्टे अलाइव। सो मैं अपना भाषण अभी खत्म करती हूँ और खुश हूँ कि अब सबको मेरी बात समझ आ गई होगी कि ये कोरोना वायरस हम साथ मिलकर ही लड़ सकते हैं, ना कि अलग अलग। सो अपने साथ, अपने परिवार का साथ सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपने घर वालों का ध्यान रखें और अपना स्टे होम, और बड़ों का तो घर पे रहिए। और मैं सल्यूट करती हूँ लोगों का जो हमारे वॉरियर्स हैं, जो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं कोरोना वायरस से। सो प्लीज गाइज मेरी बात का ध्यान में रखिए और लोगों को बताइए कि ये कोरोना वायरस अकेला नहीं, पूरे देश के लिए पूरा देश हरा सकता है। सो प्लीज गाइज इम्पोर्टेंट नोट, प्लीज घर में रहिए और अपने प्रधानमंत्री को बताइए कि हम उनकी बात का पालन कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्ते, मेरे प्रधानाचार्य जी, मेरे अध्यापिका एवं मेरे मित्र। मेरी अध्यापिका जी ने मुझे कोरोना वायरस पर एक संक्षिप्त निबंध लिखने को कहा था, जिसके बारे में मैंने उसका परिचय देते हुए तथा उसकी उत्पत्ति कैसे हुई तथा कोरोना से बचाव के उपाय क्या होने चाहिए उसके बारे में लिखा है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, कोरोना एक जानलेवा बीमारी है जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक महामारी भी घोषित कर दिया है। और इसकी उत्पत्ति सर्वप्रथम चीन से हुई, उसके बाद ये धीरे धीरे इटली में फैला तथा अमेरिका में फैला, अब ये भारत में भी आ चुका है जिससे कई लोगों के जान जा चुके हैं। कई राज्यों में इसका तेजी से फैलने की वजह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनता कर्फ्यू लगाए हैं तथा लॉकडाउन किए हैं। और इससे बचाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रिकॉशंस भी लेने को कहे हैं, जिससे सभी व्यक्ति को अपने घर में ही रहना है तथा मास्क का उपयोग करना है और सैनिटाइजर का उपयोग करना है, ताकि वो किसी भी सतह को ना छुए जिससे खतरा फैल सकता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कोरोना वायरस, जो कि एक जानलेवा वायरस है, लोगों में फैल सकता है। और धीरे धीरे इसकी संख्या भी बढ़ती जा रही है, काफी लोगों को इससे बहुत परेशानी हुई है तथा अभी भी यह धीरे धीरे फैल ही रहा है। तो इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉकडाउन को और बढ़ाया है और सभी को यही सलाह दी है कि सभी नागरिकगण अपने घर में ही रहें और सुरक्षित रहें और लॉकडाउन का पालन करें और सभी नियमों का पालन करते हुए अपने घर में सुरक्षित रहें। धन्यवाद। व्हाट इज कोविड-19? अ कोविड-19 इज अ वायरस दैट इज फाउंड इन एनिमल एंड रेयरली कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम टू एनिमल टू ह्यूमंस एंड देन स्प्रेड पर्सन टू पर्सन। इन एडिशन टू कोविड-19, अदर ह्यूमंस कोरोना वायरस हैव इंक्लूडेड। व्हाट आर द सिम्पटम ऑफ कोविड-19? COVID-19 symptoms range from mild to severe.
इट टेक्स 2-14 आफ्टर एक्सपोजर और सिम्टम टू डेवलप. सिम्टम में इंक्लूडेड फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ. स्टे होम, सेफ लाइफ, कीप अ सेफ डिस्टेंस. स्टे होम, वॉश हैंड ऑफ्टन, कवर योर कफ, सिक कॉल द हेल्पलाइन. डू वॉश योर हैंड रेगुलरली 20 सेकेंड विथ अ सोप एंड वाटर और एल्कोहल बेस्ड हैंड रब. कवर योर नोज एंड माउथ विथ अ डिस्पोजल टिश्यू और फ्लेक्स्ड एल्बो व्हेन यू कफ और फीवर. अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट 1 मीटर और 3 फीट विथ पीपल हु आर अनवेल. स्टे होम एंड सेल्फ इसोलेट फ्रॉम अदर इन द हाउस होल्ड इफ यू फील अनवेल. डोंट टच योर आईज, नोज और माउथ इफ यू हैंड आर नॉट क्लीन. थैंक यू. सुप्रभात, मैं कोरोना वायरस के विषय में आज आप सभी के समक्ष अपने विचार लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार से है. पोलियो को हराया है, कोरोना को भी हराएंगे. पोलियो को हराया है, कोरोना को भी हराएंगे. मिलकर हम सब इस वायरस को भगाएंगे. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम सभी कोरोना वायरस जैसी एक महामारी से बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं. ये चीन के वुहान शहर से निकला है और अब पूरे विश्व में फैल चुका है. कोरोना वायरस श्वसन क्रिया संबंधित एक बीमारी है जो सीधे फेफड़े पर असर करती है. ये किसी भी वस्तु को संक्रमित कर सकती है. इस वायरस के चलते अनेक लोग अपने जान से हाथ धोकर बैठ चुके हैं और कई लोग संक्रमित हैं. इस वायरस से बचने के लिए हमें अनेक एहतियात बरतने चाहिए, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं. हमें खांसते या छींकते वक्त टिश्यू का यूज करना चाहिए और उस यूज किए हुए टिश्यू को कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए. हमें घर पर रहना चाहिए और जो व्यक्ति कोरोना वायरस संक्रमित हो या फिर उसमें कोरोना से जुड़े लक्षण हो उसे दूरी बनाए रखना चाहिए. हमें किसी से बात करते वक्त मुंह पर मास्क लगाना चाहिए. कोई भी वस्तु या फिर धातु छूने के बाद साबुन या हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग कर अपने हाथ को धोना चाहिए और अनेक एहतियात बरतने चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है. हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भी हमें यही समझाया है. हम सभी को कोरोना वायरस से बचने के लिए ये एहतियात बरतने होंगे. ये कोरोना वायरस एक ऐसी महामारी है जो हमारे पूरे देश को खत्म कर सकती है, लेकिन आप डरिएगा मत, क्योंकि हम सभी को पता है देश तो लाखों करोड़ों हैं, पर भारत जैसा कोई नहीं. जिस देश का लीडर नरेंद्र मोदी हो तो डरने की कोई बात नहीं. अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, वैसे तो ये कोरोना भी है चाइनीज माल, जल्दी से भाग जाएगा, ज्यादा नहीं टिक पाएगा. इस कठिन परिस्थिति में भी भारत जीत जाएगा. नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय कुंडली, कक्षा अष्टमा का छात्र. आज मैं आप सभी के सामने वैश्विक महामारी कोरोना के बारे में बताने जा रहा हूँ. इस बीमारी से आज पूरा देश परेशान है और पूरा विश्व परेशान है. यह बीमारी चीन के वुहान शहर से शुरू हुई और आज इस पूरा विश्व इससे रोगित है. पूरे विश्व में बड़े बड़े देश अमेरिका, इटली, फ्रांस, इन देशों में भी यहाँ बहुत हालत खराब है. हजारों लोगों की यहाँ जान चली गई तथा हजारों लोग इससे पीड़ित हैं. इस बीमारी की अब तक कोई दवा नहीं बची. इस बीमारी की एक ही दवा हो सकती है, एक दूसरे से दूरी बनाए रखें. हम एक दूसरे से जितनी दूरी बनाए रखेंगे उतना ही हम सबके लिए अच्छा होगा. तथा आप कभी बाहर से आए तो तुरंत 20 से 30 सेकंड तक लगातार हाथ धोएं तथा घर में भी थोड़ी थोड़ी देर में हाथ धोते रहें. और अगर आप कहीं बाहर गए तो आप बाहर में एक दूसरे से दूरी बनाए रखें. एक दूसरे से जितनी दूरी होगी उतना हम सबके लिए अच्छा होगा. धन्यवाद. आज मैं आप सभी को कोरोना वायरस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ. सबसे पहले जो कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी बन चुका है, जो कि जिसका नाम हम सब सुन चुके हैं. और हमारे देशों की अर्थव्यवस्था जल्दी जल्दी ठप हो रही है, हमारे देश लॉकडाउन हो रहे हैं और लोग बड़ी संख्या में संक्रमित हो रहे हैं. इसने सुपर पावर अमेरिका, चीन, यहाँ तक कि इटली जैसे बड़े बड़े देशों में भी अपना कब्जा जमा लिया है. और इससे हमारा देश भारत अब तक सुरक्षित है, क्योंकि हमारे देश के वासी और हमारी सरकार का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है. अभी
जैसे कि इसकी दवा ना बनने के कारण हमें इसे बचाव के तरीके अपनाने चाहिए। सबसे पहला बचाव का तरीका है कि हमें कभी भी अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, और कभी निकलना पड़े तो मास्क लगा के निकले। और दूसरा, कभी भी किसी से बातचीत करते समय 6 फीट की दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष तौर पर ध्यान रखें। और तीसरा, हर घंटे में 3 से 4 बार अच्छे से हाथ धोए 20 सेकेंड तक, जिससे कि हमारे शरीर में जितने भी कीटाणु हैं वो साफ हो जाए। और अगर हम कभी भी कोई चीज़ बाहर से खरीदते हैं तो सबसे पहले उसको सैनिटाइज कर लें ताकि उसमें भी जो कीटाणु हो वो सारे सारे मर जाए। और सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि जो हम हमें घर पे रहना चाहिए, और हमारा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमारा जो इम्यून सिस्टम है यानी हमारा पाचन तंत्र, वो बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि अगर वो मजबूत होगा तो कोरोना वायरस से हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। और इसके लिए हमारा जो इम्यून सिस्टम तक मजबूत बने, इसके लिए हमें हरी सब्जियां और फल खाने चाहिए। हमें जो मैदे से बनी वस्तु जैसे कि मैगी, मैक्रोनी, ये सब थोड़े दिनों के लिए नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इनसे हमारा जो इम्यून सिस्टम है कमज़ोर होता है, ताकतवर नहीं होता है। और सबसे महत्वपूर्ण तो यह कि हमें घर पर रहना है अभी, और हमें घरों से बाहर नहीं निकलना है। और आखिर में मैं आप सभी को यही कहूँगी कि स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू। माय नेम इज त्रिभुवन रावत। टुडे आई एम गोइंग टू नरेट एन एसे ऑन हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम कोरोना वायरस। कोरोना वायरस डिजीज इज एन इन्फेक्शियस डिजीज। Most people infected with the coronavirus will experience mild to moderate respiratory illness and recover without special treatment. It can be transmitted by people with the virus coughing or sneezing, releasing tiny contaminated droplets into the air, putting anyone within the range in danger of inhaling them. Adopting good hygiene is one of the most effective weapon to slow down the effect of coronavirus. First, avoid touching your eyes, nose and mouth. Our hands touch door handles, keyboards, tap and numerous things, so the virus could easily be picked up this way. Rubbing tired your eyes, touching your nose to mouth could transfer the virus from your hands to into your body. Second, wash your hand regularly. Clean your hands thoroughly and often, using plenty of soap and water or an alcohol-based hand rub to kill any virus on hand. Scrub at least for 20 seconds, making sure you clean your thumb and palm. Third, maintaining social distancing. Be aware of people around you and keep your distance from anyone coughing or sneezing. Stay at least 1 meter away to prevent inhaling the small liquid droplets sprayed by cough and sneezes. Fourth, if any symptom develop, seek medical care early. Stay at home if you feel unwell. And if you develop any symptom or difficulty breathing, seek medical attention. Call in advance of your visit and follow the advice of your local health provider. They will have the most up to date information on the situation of your area. Thank you. नमस्कार, मेरा नाम है प्रिंसिपल और आज का मेरा टॉपिक है कोरोना वायरस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस से भारत समेत दुनिया के कई देश जूझ रहे हैं। इसकी शुरुआत सबसे पहले चीन के वुहान शहर से हुई। कोरोना वायरस के प्रमुख लक्षण सर्दी, जुकाम, खांसी, सांस लेने में दिक्कत है। इसकी रोकथाम के लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। मेरी आपसे यही अनुरोध है कि आप लोग घर पर ही ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं और बाहर ना निकलें। स्टे सेफ, स्टे होम। मेरा नाम अंशिका अग्रवाल है। मैं भारो देवरे सरस्वती विद्या मंदिर में अष्टम दर की छात्रा हूँ। मैं आज आप सभी को कोरोना वायरस या COVID-19 जैसी महामारी के बारे में बताना चाह रही हूँ। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इससे बचाव के लिए पूरे विश्व हमारे देश में लॉकडाउन लगा रखा है, और विश्व में और कई स्थानों पर भी ऐसा हो रहा है। इसका ये बीमारी एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती है। अगर आप बात करना चाहें कि इसके साइंस क्या होते हैं और सिम्टम्स क्या होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये बीमारी हमें है या नहीं,
अगर आपको फीवर है या फिर कफ है या आपको सांस लेने में दिक्कत होती है तो समझ जाइए कि आपको कोरोना वायरस हो चुका है। इससे बचाव के कई तरीके हैं, जैसे समय समय पर अपने हाथों को सैनिटाइजर या साबुन की मदद से धोना, या फिर दूरी बनाए रखना, या फिर अपने घरों में रहना, घरों से बाहर ना निकलना, ताकि एक दूसरे में अगर आपको वो बीमारी है तो दूसरों को वो ना लगे। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, स्टे होम स्टे सेफ। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम टेलिंग अबाउट कोरोना वायरस। व्हाट कैन वी डू टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम कोरोना वायरस। COVID-19 कैन बी ट्रांसमिटेड बाय पीपल विद द वायरस कफिंग और स्नीजिंग, रिलीजिंग टिनी कंटामिनेटेड पार्टिकल्स इन द एयर, putting anyone within range in danger of inhaling them. These droplets can travel more than a meter from infected person, allowing them to settle down on any surface ready to be transferred to anyone that touches the surface. Adopting good hygiene is one of the most effective weapons to slow and prevent the virus spreading. You can do some things to protect yourself and others from coronavirus. First, avoid touching your eyes, nose and mouth. Our hand touch the door handles, taps, etc. So the virus could easily be picked up by this way. Touching your nose, eyes and mouth could transfer the virus from your hand into your body. Second, wash your hands regularly using some plenty of water, soap or an alcohol-based hand rub to kill any virus on your hand. Scrub for at least 20 seconds. Third, practice respiratory hygiene. If you cough or sneeze, use a tissue and throw it in the trash afterward. Fourth, maintain social distance. Be aware of people around you and keep your distance from anyone coughing or sneezing. Stay at least 1 meter distance. If any symptoms develop, seek medical care early. Stay at home if you feel unwell and you develop a fever or difficulty breathing, seek medical attention fast. Sixth, stay informed. Accurate information about COVID-19 and its spread is essential, but beware because there is a lot of misnews, informations and fake news on social media that can hamper efforts to contain the virus. So please download the Arogya Setu app and stay home, stay safe. Thank you. Namaste. आप सभी को मैं COVID-19 मतलब कोरोना वायरस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। कोरोना एक वायरस जनित रोग है जिसने महामारी का रूप ले लिया है। इसने संसार में तबाही मचा रखी है। इसके कुछ लक्षण भी होते हैं, जैसे बुखार, सर्दी, खांसी, गले में खरांस, शरीर में थकान और सांस लेने में दिक्कत भी होती है। अब मैं आपको इसके बचाव के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे घर से बाहर मास्क लगाकर ही निकले और वापस आने पर साबुन का प्रयोग करें। साबुन से 20 मिनट तक हाथ धोए, लोगों से 5 या 6 फीट दूरी बनानी चाहिए। अपने हाथों को मुंह से दूर रखना चाहिए जिससे कि संक्रमण ना फैले। यदि आपने संक्रमण के लक्षण दिखाई देते हैं तो पास के अस्पताल से सूचित करें। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको कोरोना वायरस के बारे में बताना चाहती हूँ। कोरोना वायरस एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो किसी इन्फेक्टेड पर्सन के खांसते या छींकते वक्त उसकी ड्रॉपलेट से किसी को फैल सकती है। तो हमें इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, मैं आपको वो बताती हूँ। हमें एक मास्क पहनना चाहिए किसी भी क्राउडेड प्लेस पर जाते वक्त, और हमें क्राउडेड प्लेस पर जाने से बचना चाहिए। और हमें अब हर दो घंटे में 20 सेकंड के लिए अपने हाथ धोने चाहिए साबुन से या फिर सैनिटाइजर से। और जिन पीपल को सिम्टम्स है, जिन्हें खांसी या जुखाम है, उन्हें अपने घर पर ही रेस्ट लेना चाहिए 3-4 दिन के लिए। अपने आप को मॉनिटर करना चाहिए और ऑफिस या स्कूल नहीं जाना चाहिए, जैसे कि ये एक पब्लिक प्लेस है। और अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए कि मुझे ये है, और अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बतानी चाहिए ताकि आपका इलाज जल्द से जल्दी हो सके। स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू गाइस। हेलो एवरीवन, आई एम सुमिता जैना, क्लास 11th। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट व्हाट कैन वी डू टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम कोरोना वायरस। कोरोना वायरस डिजीज इज एन इन्फेक्टियस डिजीज कॉज्ड बाय अ न्यू वायरस। इट्स आल्सो कॉल्ड एज COVID-19। देयर इज करेंटली नो वैक्सीन टू प्रिवेंट कोरोना।
There are many safety measures to protect ourselves from COVID-19. But adopting good hygiene is one of the most effective weapons. Avoid touching your eyes, nose and mouth. Wash your hands regularly. Use plenty of soap and water or an alcohol-based hand rub sanitizer. Scrub for at least 20 seconds. Practice respiratory hygiene. If you cough or sneeze, use a tissue and throw it in the dustbin after use. If you don't have tissue or a handkerchief, cough into the crook of your arm instead of your hands. Maintain social distancing. Stay at least 1 meter away. To prevent inhaling the small liquid droplets sprayed by cough and sneeze. In spite of this, if any symptoms develop like fever, cough, and difficulty in breathing, so stay at home and immediately seek medical care and follow the advice of your local health provider. Isolation and quarantine are public health measures to protect the spreading of COVID-19. Wear a homemade mask, stay informed and up to date by Arogya Setu app and follow the instructions given by the Ayush Mantralaya. But be aware, there is a lot of misinformation and fake news floating around on social media that can hamper efforts to contain the virus. Stay aware and follow the safety measures stated earlier, a set of guidelines issued by Government of India. As a responsible citizen and a family member, you should respect and follow the lockdown and avoid contact with others. Be safe, stay home. Thank you. This is a slogan of coronavirus. Go Corona Go. I made this and the precautions there is. See, clean your hands. अपने हाथ धोते रहिए. Off your gathering. मतलब झुंड में खड़े मत होइए. Rise your humanity. इंसानियत जगाइए अपने अंदर. Wear mask. Mask पहनिए. Not to handshake. हाथ मत मिलाइए. Avoid rumors. मतलब जो अफवाह फैल रही है उन पे ध्यान मत दीजिए. और हमें पता है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो हमें प्रिकॉशन अप्लाई करना चाहिए. क्योर से अच्छी होती है वो. और हमें पता है कि वैक्सीनेशन अभी बनी नहीं है, इस वजह से हमें प्रिवेंशन अप्लाई करना चाहिए. गुड मॉर्निंग, हे आई थिंक मैं फ्रॉम क्लास 11 टी. माई टॉपिक इज COVID-19. अदर नेम ऑफ COVID-19 इज कोरोना वायरस. इट इज causes illness in our respiratory organ in our body. Coronavirus has come from Wuhan city, which is situated in the China. It is spread on to the whole world except our India. There is no vaccine is made by our scientists. Narendra Modi also low lockdown for 21 days and also increases it. There are various symptoms are cold, common cough, and difficulty in breathing, etc. Preventions are making social distance, which is also said by our Narendra Modi, making social distance by our friends, relatives, neighborhood, etc. And do not touch our face and wash our hand with sanitizer or a soap, etc. And it is also, and I again say, there is no vaccine made by our scientist. Please. Maintaining social distance. Stay home, stay safe. And there is also a slow down our Indian economy and a whole world. Please. Thank you. Hello, my name is Prince Kumar. I am in class 10th D of Bhaurav Devras Saraswati Vidya Mandir. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त बड़े बड़े developed countries जैसे चाइना, USA, इटली, फ्रांस आदि देश कोरोना वायरस या फिर कह लो COVID-19 के आगे घुटने टेक चुके हैं. ऐसी स्थिति में भारत इस वैश्विक महामारी से के सामने डटकर खड़ा है और इसका सामना भी कर रहा है. इस महामारी से बचाव के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने लॉकडाउन का ऐलान किया है. क्योंकि इस वायरस से निपटने के लिए अभी तक इसकी कोई दवा नहीं बन सकी है, इसीलिए सभी को अपने अपने घरों पर रहने की सलाह दी गई है. ऐसी स्थिति में भारत की जनता मोदी जी का साथ दे रही है, परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो घर पर नहीं रहना चाहते और वे झूठी खबरों पर भरोसा करते हैं और लोगों में पैनिक क्रिएट करते हैं और लोगों में
हमें समझना होगा कि ये वायरस सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए खतरनाक है जो सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का सही तरीके से पालन नहीं करते। सभी भारतवासियों के पास इस वक्त बहुत समय है क्योंकि पूरा भारत इस वक्त बंद है। तो हम सभी को अपने इस अनमोल समय का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। हम इन सभी समय का इस्तेमाल अपने स्किल्स को डेवलप करने में कर सकते हैं क्योंकि ये समय हमें दोबारा नहीं मिलेगा। तो अब समय आ गया है कि हम सभी अपनी देशभक्ति को दिखाएं, लोगों को अफवाहों से बचाएं और उन पर उस पर भरोसा करने से सभी को सचेत करें। सो स्टे एट होम, सेव लिव्स। थैंक यू। सभी अभिभावक बंधु एवं प्रधानाचार्य जी को मेरा सादर नमस्कार। आज प्रातः मेरे कक्षाचार्य जी ने मुझे कोरोना वायरस के ऊपर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए कहा था। उसी के उपलक्ष्य में मैं आपको कोरोना वायरस के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। देखो चीन ने जैसे कोई किया हो जादू टोना, देखो पूरी दुनिया बोल रही है कोरोना कोरोना। अपनी चुन्नी चुन्नी आंखों से जब डरा ना पाया, चमगादड़ खा अपनी बीमारी सबको सरकाया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस बहुत सूक्ष्म लेकिन प्रभावी वायरस है। कोरोना वायरस का संबंध एक ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुखाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया है। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान में शुरू हुआ था। WHO के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण हैं। अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाला कोई टीका नहीं बना है। कोरोना की उत्पत्ति सबसे पहले 1930 में एक मुर्गी से हुई थी और इसने मुर्गी के श्वसन प्रणाली को प्रभावित किया था। कोरोना से बचाव करने में ही समझदारी है क्योंकि यह एक संक्रामक रोग है जो बहुत ही तेजी से एक दूसरे में फैलता है। WHO ने कुछ सावधानियों की सूची निकाली है और यह भी बताया है कि कोरोना से बचाव के ये मूल मंत्र हैं। आइए इन्हें विस्तार में जानते हैं। पहला, सदैव बाहर से आने के बाद अपने हाथों को साबुन से करीब 20-30 सेकंड तक अवश्य धोएं। दूसरा, जरूरी ना हो तो बाहर ना जाएं। तीसरा, सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचें। चौथा, सदैव मास्क और ग्लव्स पहनें। पांचवा, संक्रमण की स्थिति में खुद को दूसरों से अलग कर लें और नजदीकी अस्पताल में सूचित करें। बंद करो कोरोना का रोना, बनो सनातन कुछ ना होना। तन मन जीवन हिंदू हो तो सदा स्वास्थ्य है, कोई रोग ना होना। अब अंतिम में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बस यही कहूंगी कि सभी लोग अपने घरों में रहे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट कोरोना वायरस डिजीज। व्हाट कैन वी डू टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम कोरोना वायरस डिजीज। कोरोना वायरस डिजीज इज एन इन्फेक्शियस डिजीज caused by a new virus. There is no vaccine to prevent coronavirus disease. There are many measures to prevent ourselves from coronavirus disease. We should follow those measures. Firstly, wash our hands regularly for 20 seconds with soap and water or alcohol-based hand rub. Secondly, cover your nose and mouth with a disposable tissue or flexed elbow when you cough or sneeze. Thirdly, avoid close contact 1 meter or 3 feet with people who are unwell. Fourthly, stay home and self-isolate from others in the household if you feel unwell. And don't touch your eyes, nose or mouth if your hands are not clean. The preventions are stay home, keep a safe distance, wash hands regularly, cover your cough. Their symptoms are people may sick with the virus for 1 to 14 days before developing symptoms are fever, tiredness and dry cough. Most people, about 80%, recover from the disease without needing any special treatment. More rarely, the disease can be serious and even fatal. Other people and people with other medical conditions such as asthma, diabetes or heart disease may be more vulnerable to becoming severely ill. People may experience cough,
fever, tiredness, and difficulty breathing treatments. There is no specific medicine to prevent or treatment coronavirus disease. Thank you. प्रीतम मिश्रा है, मैं भावराव देवरा सरस्वती विद्या मंदिर की छात्रा हूँ। मैं आपको कोरोना वायरस से बचने के लिए 5 तरीके बताना चाहती हूँ। पहला, हमें 20 से 30 सेकंड तक अपने हाथ धोना चाहिए और सैनिटाइजर लगाना चाहिए। हमें मास्क पहनना चाहिए। अगर हमारे पास मास्क उपलब्ध नहीं है तो हमें साफ कपड़ा भी लगा लेना चाहिए। तीसरा, हमें 5 से 6 फीट की दूरी में रहना चाहिए। चौथा, हमें ट्रैवल कम से कम करना चाहिए। पांचवा, हमें भारतीय सरकार द्वारा दिए गए नियमों का पालन करना चाहिए। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, माय नेम इज खुशी मिश्रा एंड आई एम फ्रॉम भावराव देवरा सरस्वती विद्या मंदिर। सो आई एम हियर टू नो अबाउट यू व्हाट वी कैन डू टू प्रिवेंट अवर सेल्फ फ्रॉम द कोविड-19 और कोरोना वायरस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉश योर हैंड्स नीटली टू 20 to 30 seconds। अब अपने हाथों को 20 से 30 सेकंड तक धोए। सेकेंड वन इज ऑलवेज वियर क्लोथ मास्क। आप अपने मुंह को हमेशा मास्क से ढक कर रखें। अगर आपके पास मास्क नहीं है तो आप कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज कीप अ डिस्टेंस टू 5 to 6 feet। आप एक दूसरे से लगभग 5 से 6 feet की दूरी बना कर रखें। चौथा, आप ट्रेवल्स कम से कम करें। रेस्ट्रिक्ट योर ट्रेवल्स वेरी मिनिमम टाइम्स। आप घर से बाहर बहुत कम निकलें। अगर आप बीमार हैं तो आप घर में ही रहिए और बाहर नहीं जाइए। एंड द लास्ट वन इज दैट फॉलो द रूल्स विच इज गिवन बाय द इंडियन गवर्नमेंट। भारत सरकार द्वारा दिए गए सभी नियमों का पालन करिए। थैंक यू।